मैं सबसे पहले मैं अपनी गलती की एक माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं जब आईसीयू वार्ड में भर्ती मारूंगा तो शेर के जैसी मारूंगा, कुत्ता बिल्ली जो मौत नहीं मारूंगा। दानेश्वर सिद्धू समझ गए क्या? तो फाइनली गाइस, समीर स्टाइलो को लेकर जो एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि समीर भाई का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उसके बाद में हॉस्पिटल से उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनवा के शेयर की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था मरूंगा तो शेर की मौत मरूंगा, कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। इसी बात को लेकर दानिश जहन की माँ जो है बहुत नाराज हुई थी, और उसी के बाद में जो है समीर स्टाइल भाई ने जो है एक वीडियो जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने दानिश जहन की माँ से माफी मांगी है। तो आप देख सकते हैं आगे वीडियो। हाँ मेरी जान। Alright, so hey guys, good morning everyone. So, आओ, समीर स्टाइल इज हियर, नथिंग टू फियर, मारो रिवर्स गियर, पहला गियर नीचे बाकी सब पीछे। सो गाइज, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े एक्सीडेंट में, इतने बड़े हादसे में तुम्हारा भाई मतलब बच गया यार। एकदम से मतलब सब कुछ खत्म हो गया था आप लोगों की दुआओं की वजह से। देखो आज मैं हॉस्पिटल में कितना मतलब पूरी तरीके से तरीके से ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है सर के पीछे। और मैं आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की दुआओं के वजह से आज मेरी जान बच गई है, मेरे साथ वालों की जान बच गई है दोनों की। खैर वो सब तो ठीक है, मैं सबसे पहले मैं अपनी गलती की एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं जब आईसीयू वार्ड में भर्ती था, जब मैं बाहर आया जिंदगी और मौत के बीच में से, यार मैं बाहर आ गया नहीं क्या, तो आप लोगों की वजह से बाहर आया और अचानक से मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा कि मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं बोलना कुछ और चाहता था और मेरे मुंह से कुछ और निकल गया था। खैर उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हुआ ये था दरअसल कि मैंने उसमें सिद्धू भाई और दानिश भाई को गलत बोला। खैर मैं गलत नहीं बोल रहा था उनको, एक्चुअली हुआ ये था कि जब मेरी गाड़ी पलटी तो उसमें आपको दो बार पलटे को दिखाया है कि, मगर मेरी गाड़ी जो मेरी कार थी वो 6 बार पलटी थी। तो मेरे को फील हो रहा था कि अब मैं ख़त्म, फिनिश हो गया, यही तक के था मेरा सफ़र। मगर जब मैं उठा और मेरे साथ वालों को खींच के बाहर निकाला, फिर वहाँ बेहोश हो गया। मेरे बड़े भाई ने मेरे को हॉस्पिटल लेके आया, ईरान ने यहाँ पर लाके मेरे को जब भर्ती की करे, जब मेरे को एडमिट किए तो मेरे को आईसीयू वार्ड में खून से लथपथ, और मेरे को लेके गए तो एक ये बोलता है, एक मेरे को याद नहीं है, मेरे अंधेरा था मेरे आँखों के सामने, ये बोलता है कि ये इन्फ्लुएंसर, ये इंस्टाग्रामर या इसी मरते है, कुत्ते बिल्ली की मौत ही मरते है। तो लोगों का बोलना ये था, मेरी बात वो दिमाग में घूम रही थी वो सब बातें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक बार बाहर निकाले, जब आईसीयू से देखा तो मैं हाँ ठीक हूँ, मैं बरोबर, मैं देखता हूँ कि मेरे मतलब मेरे को कोई बताता है कि भाई देखो आपके बारे में ये न्यूज़ आई है कि आपका एक्सीडेंट हो गया और उसमें आपकी डेथ हो गई। सोचो कितना बुरा लग रहा होगा यार कि एक बंदा अपनी मौत की खबर जीते जी सुन रहा है, ठीक है, उसमें YouTube पे चंद लाइकों के लिए, दो कुछ लाइकों के लिए लोगों ने मेरे को मार दिए, मेरे फोटो पे हार भी मार दी। यार वो सब तो ठीक है, सोशल मीडिया यार आबाद भी है और बर्बाद भी है। तो वहाँ पे पता है कि एक ने ये बोला था, शायद वो वीडियो डिलीट हो गई है, कि दानिश भाई के जैसा और सिद्धू भाई के जैसा अब समीर स्टाइलो भी सोशल मीडिया छोड़ के चले गए, हमारे बीच में नहीं है। यार कितना बुरा लग रहा था, तो गुस्से में आके पता है कि मैंने ये बोला, इधर आओ, मैं ये बोलना चाहता था कि मैं शेर हूँ और जो तुम बोल रहे हो ना कुत्ता बिल्ली के जैसा मरते हैं हम लोग वैसा नहीं मरेंगे। और जो तुम कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सिद्धू भाई के जैसा और दानिश जैन के जैसा या के समीर भी छोड़ के चले गए, तो मैं बोलने का मोटिव ये था किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था मेरा भाई, मैं ये बोलना चाहता था कि मैं वैसा नहीं जाऊँगा, वैसा भाई लोगों के जैसा नहीं, तुम समझो थोड़ा सेंटेंस। मैं कुछ और बोलना चाहता था, मेरे मुंह से कुछ और निकल गया, लेकिन फिर बाद में तुरंत मैं बेहोश हो गया था बोल के। तो भाई लोग पता ही क्या, आप लोगों ने मेरे को बनाए हो, ठीक है, अभी तक के मैं इंस्टा पे ऑन इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन भी देखो अनवेलेबल हो गया है। तो जैसे ठीक होता है मैं प्रॉपरली पूरी तरीके से मैं इंस्टा पे एक्टिव भी हो जाऊँगा, यूट्यूब पे एक्टिव हो जाऊँगा। मैं ये वीडियो के थ्रू सिर्फ माफ़ी मांगना चाहता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई है और मैं सही सलामत हूँ, ठीक है। और गलत अफवाह फैलाना बंद करो यार, मतलब जीते जी अपनी मौत की खबर सुनना बहुत बड़ी बात हो गई यार मेरी जान,
बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं आता भाई, अपने घर वाले आते बस, कोई भी नहीं आता आज के दौर में। तो आप लोगों ने मेरे को बनाया और आप नहीं समझोगे तो कोई नहीं समझेगा। मेरे मुँह से सिर्फ मैंने लोगों को अभी तक के मोटिव किया है, हंसाया हो, तो अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया है तो मेरे को माफ़ कर दो यार। मेरे को मालूम है कि देखो माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ऑल फैम ब्रो आर्मी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, दानिश ज़ैन भाई, तो कैसे है, मैंने भाई को देखकर ही फैशन को अपनाया, मैंने भाई को देखकर ही बहुत सारी चीज़ें सीखा, क्योंकि माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे हम, हमने सब देखकर ही सीखे, दानिश भाई को देख के सीखे। सिद्धू भाई के गाने बज रहे थे मेरी गाड़ी में, 295 बज रहा था जब मेरी गाड़ी पलटी हुई, तो मैं भाई को बहुत मानता हूँ इन लोगों को, ठीक है, मगर मेरे मुँह से अगर कुछ गलत निकल गया है उस समय बेहोशी की हालत में, क्योंकि मेरे सर पे मार लगा था, मेरे को सब धुंधला दिखाई दे रहा था, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। अब मेरे को मालूम है कि भाई लोग, आप लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं और माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे को मेरी जुबान से किसी को अगर ठेस पहुँची है और मेरे को ऐसा बोल के ऊँचा नहीं बनना है, बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि मैं ऐसा फेम नहीं चाहता कि जो किसी के दिल को ठेस पहुँचा के हासिल हो। मेरे को नहीं चाहिए ऐसा नाम जो किसी के दिल को लगे यार मेरी बातें। तो मैं सिर्फ यार लोगों को सिर्फ एंटरटेन करता हूँ और ऐसी करना ही चाहता हूँ, मगर इस तरीके से नहीं करना चाहता। खैर मेरी गलती हुई है तो माफ़ करना आपका काम है, और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे को नई ज़िंदगी दी है, तो यहाँ से नई ज़िंदगी की शुरुआत है। तो भाई लोग, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता था, और सिद्धू पाजी फैंस जिसमें मैं भी हूँ, दानिश ज़ैन फैंस जिसमें मैं भी हूँ, तो उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई लोग, आई एम सो सॉरी भाई। आप लोगों की वजह से यार मैं आज जिंदा हूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया करके अचानक से, मेरे को भी बहुत बुरा लगा यार, जबकि समीर सही में तूने ऐसा एकदम से वातावरण, आई डोंट थिंकिंग अबाउट ऑफ समवन, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ। मैं किसी को नीचे नहीं गिरा सकता और मैं उनके बराबरी भी नहीं कर सकता, वो लेजेंड है भाई। हम तो अभी जुम्मा जुम्मा आठ दिन हुए हमको आए हुए सोशल मीडिया में, ये वो तो भाई राज कर रहे हैं जाने के बाद भी वो अपने दिल पे, और मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो किधर है, वो हमारे इधर ही है भाई। ये लोगों का काम है सिर्फ चिंगारी को हवा देके उसको बड़ा आग बनाने का, सोशल मीडिया है भाई। तो बस भाई लोग माफ़ कर देना मेरे को, और बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ दुआ नहीं हुई, नई ज़िंदगी मिली है यार। मैंने फील किया है वो जब गाड़ी घूमती है ना, जब टकराते सर इधर उधर, बहुत बुरा लगता है यार। अपने अल्लाह ताला, मैं खुदा से बस यही दुआ करता हूँ कि ये जो चीज़ मेरे को दिखाया गया है दवा खाना, ये दुश्मन को भी ना दिखाए कभी भी, अपने दुश्मन को भी जेल दवा खाना कभी कुछ ना दिखाए भाई। बस आई एम सो सॉरी यार, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, आपका काम है मेरे को माफ़ कर देने का भाई, बाकी सब और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जल्दी मैं वापस आ जाऊँगा, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाऊँगा, बस वैसा जैसे पहले प्यार करते थे वैसे ही प्यार करना, थोड़ी सी बस पूरी तरीके से प्रिपेयर होने का हो, और बस आई लव यू सो मच भाई लोग। तुम लोग है तो मैं हूँ, नहीं तो यार कोई किसी को नहीं पहचानता आज के दौर में। और ये वीडियो का मोटिव ये है, और मैं ये वीडियो अपनी आईडी से भी डालूंगा, बट मेरा फ़ोन ये हो गया मैं, और दानिश ज़ैन भाई की मम्मी, मतलब हमारी मोम जिनसे मैं बात करते रहता हूँ, दानिश भाई की मम्मी से भी बात हुई, सिद्धू भाई के भाई लोग से भी बात हुई, वो भी बहुत एंग्री थे कि यार समीर तूने ऐसा क्यों, हम तेरे लिए दुआएं कर रहे थे, और तू, मैंने उनको समझाया बताया कि भाई मैं होश में नहीं था, मैं बोलना कुछ और चाह रहा था मगर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया, मैं उनको गलत नहीं बोलना चाहता था, मैं ये बोल रहा था कि जब मरूंगा तो शेर के जैसे मरूंगा, जो लोग बोल रहे ना कुत्ते बिल्ले के मौत मरते हम वैसा नहीं मरूंगा। और फिर एक जन ये बोल रहा था कि सिद्धू पाजी और दानिश भाई के जैसा ये भी छोड़ के गया, तो मैं ये बोलना चाहता था कि भाई मैं वैसा भी नहीं जाऊँगा, वो लेजेंड है भाई, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, मैं बस अपनी गलती पर अफसोस है मेरे को, और आपका काम है माफ़ कर देने का भाई, ठीक है। मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ कि यार आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से आपने यहाँ तक पहुँचा है, और मैं और भी आगे जाना चाहता हूँ आप लोगों के सपोर्ट से, मैं किसी को दिल को ठेस पहुँचा के आगे नहीं बढ़ना चाहता भाई, ठीक है। लव यू सो मच, सो गाइस स्टे ट्यून, ऐसे बने रहिए मेरे साथ में और ऐसे प्यार करते रहिए भाई, लव यू, सॉरी फॉर ऑल मिस्टेक्स, मेरी सारी पर गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर देना भाई लोग, बस और कुछ भी नहीं है। और मेरा फ़ोन जल्दी ठीक होता है तो ये वीडियो मेरे आईडी से भी आएगी। आई लव यू बाय, जल्दी।